स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। जय जोहार, नमस्कार, हेलो। चलिए देखिएगा, 10 अक्टूबर है आज, 10 अक्टूबर 2022। पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में धान की तीन पारंपरिक किस्मों में कैंसर रोधी क्षमता पाई गई है जिसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरना। याद रखिएगा सरना। देखिए इसके संबंध में, देखिए कि छत्तीसगढ़ में धान की तीन पारंपरिक किस्मों में कैंसर रोधी क्षमता पाई गई है और इसकी गठवन महाराजी और लाइचा किस्मों में फेफड़े व स्तन कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने के गुण मिले हैं। याद रखना है तीनों का नाम। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने मिलकर धान की इन प्रजातियों के औषधीय गुणों का अध्ययन करने के लिए चूहों पर इसका प्रयोग किया, जो कि सफल रहा है। याद रखना है कि कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इन तीन प्रजातियों में धान की भूसी में कैंसर रोधी तत्व मिले हैं जो शरीर के सूजन को कम करने में उपयोगी होते हैं। देखिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में धान के लगभग 23,250 प्रजातियाँ हैं। इसमें से प्रमुख रूप से 13 प्रजातियाँ औषधीय गुणों से भरपूर है। इसकी उपज कम होती है, इसीलिए ज़्यादातर किसान संकर नस्ल की प्रजातियों की खेती करते हैं। चलिए, ये इम्पोर्टेंट है, देखिएगा इनका नाम जो है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख औषधीय धान मेडिसिनल राइस की किस्मों में गठवन, भेजरी, आलवा, लाइचा, रेसारी, नाग, केशलर, काली मुंज, महाराजी, बायसुर, करहनी आदि है। ठीक है, सभी का नाम आपको याद रखना है। देखिए, इसको भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, तो देखिए कि छत्तीसगढ़ में मुख्यतः सरना, जिसको स्वर्णा भी बोलते हैं, महामाया, बम्लेश्वरी, दंतेश्वरी, पूर्णिमा, क्रांति, IR 64, IR 36, HMT, अनंदा, सफरी, सफरी 1010, इंदिरा 9, याद रखिएगा, दुबराज, विष्णु भोग, बादशाह भोग, जमा फूल इत्यादि किस्म के धान जो है उत्पादित किए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, गुजरात में आयोजित हो रहे 36वें राष्ट्रीय खेल में सॉफ्ट टेनिस स्पर्धा के महिला वर्ग में छत्तीसगढ़ को कौन सा पदक मिला है। ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कांस्य। याद रखिएगा कांस्य। देखिए इसके संबंध में कि गुजरात में आयोजित हो रहे 36वें राष्ट्रीय खेल के दौरान छत्तीसगढ़ के हिस्से में एक और पदक आया है। सॉफ्ट टेनिस स्पर्धा के महिला वर्ग में छत्तीसगढ़ को कांस्य पदक मिला है, याद रखना है। देखिए कि सॉफ्ट टेनिस स्पर्धा के अंतर्गत महिला वर्ग का सेमीफाइनल मैच खेला गया जिसमें छत्तीसगढ़ के हिस्से वही कांस्य पदक आया है। ओके, देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में इमली प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है, ओके देख लीजिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर है बस्तर। याद रखना है ये बस्तर जिला है, देख लीजिए कौन कौन से जिलों से लगा हुआ है, आप ये भी देख लीजिए। देखिए इसके संबंध में, देखिए कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा विकास खंड के धूरा गांव में इमली प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया गया। संयंत्र में प्रतिदिन 10 मीट्रिक टन इमली गुदा, 5 मीट्रिक टन इमली चपाती और 3 मीट्रिक टन इमली बीज का पाउडर बनाने की क्षमता है इस संयंत्र में। देखिए, यह संयंत्र सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ PEB और पफ पैनल में कुल निर्माण के लिए 35,000 वर्ग फीट के साथ 2 एकड़ में फैला हुआ है। खाद्य प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही उपकरणों के तौर पर प्रीमियम गुणवत्ता वाली स्टील का उपयोग किया गया है। देखिए, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा, कहाँ होगा, यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गोवा। याद रखना है गोवा को। देखिए इसके संबंध में कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में होगा। गोवा सरकार ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और आयोजन जो है अक्टूबर 2023 में होगा, ध्यान रखना है। और ये इम्पोर्टेंट है, देखिए, राष्ट्रीय खेल आखिरी बार 2015 में केरल में हुआ। अभी देखिए दोस्तों, 36वां राष्ट्रीय खेल इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लीजिए कि आयोजन है ना कब से कब तक चला, तो 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक
आयोजन स्थल गुजरात, जो कि गुजरात के 6 शहर याद रखना है, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर। ओके, शुभंकर सावज। सावज एक गुजराती शब्द है जिसका अर्थ होता है सावक, शेर। ठीक है, थीम याद रखना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, और उसी तरह आपका लोगो याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और गिर के एशियाई शेर याद रखना है, और कुल खिलाड़ी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 7,000 खिलाड़ी भाग लिए। छत्तीसगढ़ से 172 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, और इसमें नया खेल, 2 नए खेल योगासन और मलखम को जोड़ा गया है। ठीक है, तो इनको खेल की श्रेणी में लाया गया। कुल इवेंट 36 स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है। ठीक है, याद रखना है। चलिए देखिए, मुरिया विद्रोह के जननायक झाड़ा सिरहा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बस्तर। याद रखना है दोस्तों बस्तर जिला को। देखिए इसके संबंध में कि बस्तर जिले के सिरहासार भवन के समीप शहीद स्मारक परिसर में मुरिया विद्रोह के जननायक झाड़ा सिरहा की आदमकश मूर्ति का अनावरण किया गया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में 173 करोड़ 44 लाख रुपए से अधिक लागत का 89 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। याद रखना है, वीर शहीद झाड़ा सिराहा का जन्म बस्तर जिले के आगरवारा परगना के अंतर्गत ग्राम बड़े आरापुर में परगना मांझी और माटी पुजारी परिवार में हुआ था। याद रखना है, वे बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। वे जड़ी बूटियों के जानकार, कुशल नेतृत्वकर्ता और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण उन्हें 1876 में हुए मुरिया विद्रोह में नेतृत्व किया। याद रखना है। देखिएगा, अब देखिए दोस्तों, हम लोग जनजातीय विद्रोह के बारे में बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, मुरिया विद्रोह के बारे में भी सेपरेट वीडियो बना हुआ है पूरा डिटेल से। आप अगर वो वाला वीडियो देखे नहीं है तो देख सकते हैं। इसके बारे में हम लोग कुछ थोड़ा सा अभी डिटेल देख लेते हैं। मुरिया विद्रोह जो कि कब हुआ था, 1876 ईस्वी में, किसके शासनकाल में, तो भैरमदेव के शासनकाल में। स्थान तो बस्तर, याद रखना है। नेतृत्वकर्ता वही झाड़ा सिरहा जी, याद रखना है। प्रतीक चिन्ह आम वृक्ष की टहनी का प्रयोग किया गया, और उपनाम इसी विद्रोह को बस्तर विद्रोह। ठीक है, बस्तर का स्वाधीनता संग्राम इस नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये सब है, और पूरा डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं पिन कर दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है, वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जंगल सफारी में सावकों का नामकरण किया जिसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोंडूर। ये शामिल नहीं है दोस्तों। ठीक है, अरपा, पैरी, सबरी तीनों शामिल है। देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में फुटहा मूड़ा जलाशय स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर है धमतरी। याद रखिएगा, देखिए ये धमतरी जिला है। ठीक है, देख लीजिए। हाल ही में चर्चित मन केसरी बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है कांकेर। याद रखिएगा, ये कांकेर जिला, देख लीजिए। देखिए, गुजरात में हो रहे 36वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ की टीम ने मलखम में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन यहाँ है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है ब्रॉन्ज। याद रखिएगा, वाको है ना, वाको इंडिया किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जयपुर राजस्थान में छत्तीसगढ़ की टीम ने कितने गोल्ड जीते हैं? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, 34। याद रखिएगा, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, माँ रणेश्वर रामचंडी मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन को पढ़कर कमेंट्स में जवाब दीजिएगा, और इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल में डाउनलोड कर सकते हो। चले, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।